गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। मॉर्निंग सर। सॉरी सर, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। रुमाल है सर, रुमाल वो जेब की बजाय यहाँ रख लिया, चैन में रुमाल है सर। ओए उधर कहाँ जा रहे हो, उधर मत जाओ, तुम्हारी जगह यहाँ है मेरे बराबर में, इधर आओ बेटे। तो बच्चों मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज आप लोगों की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। तो कोई बच्चा आप में से डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बिजनेस संभालेगा, लगभग बहुत कामयाबी हासिल करोगे। लेकिन हमारे स्कूल के जो दो बच्चे ऐसे हैं, इनकी माँ की तो भोसड़ी वालों की साले मुंह से गाली निकलवा रहे हैं सुअर, ये साले फिर फेल होंगे इस बार। यार कब तक चलेगा ऐसा, तो ये ना लगता आज प्रिंसिपल सर ने कुछ ज्यादा ही जलील कर दिया। अरे नहीं यार, इतना जलील तो होते ही रहे, कोई दिक्कत ना, कोई ज्यादा तो। कौन हो तुम? तुम्हें यहाँ मैंने बुलवाया है। क्यों बुलाया तुमने हमें यहाँ पर? और तुम हो कौन लोग? मैं डॉन नजरे आलम सलमानी, और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अबे तो झाटू, जब बात ही करनी थी तो तू बता भी तो सके था, फोन कर देता हमें, ऐसे कुत्ते की तरह भरवा के खिलाया। फोन है तुम्हारे पास? अरे तो फोन ना है तो जीमेल कर देता, जीमेल जाना है कुछ, कंप्यूटर लैपटॉप जीमेल मार देता मुझे। कंप्यूटर है तुम्हारे पास? अरे चल कंप्यूटर ना है माना हमने तो, हाथी के भोसड़े ऐसे बुलावा किसी को, मुंह दबा के लाया है सुतरी का। अगर मैं तुम लोगों को ऐसी बुला लेता तो तुम लोगों को मेरे रुआब्जे के बारे में कैसे पता चलता? इस तरह तो पब्लिक में मेरा डर ही खत्म हो जाता और मुझे भड़वा भड़वा कहने लगते सब। एक मिनट, मैं दो नंबर करने जाना किधर है? बड़ा सुअर अगरिया है तो। जी डॉन भाई अब बताएं। अबे मादरचोद क्या करके आया, बिल्कुल भसड़ी मचा दी, गांव चेक कर ले है या फिर पटाखे वहीं रह गई। और एक काम कर इधर आ, साले दो तीन लोटे पानी डाल के आ और गेट बंद कर गई है आते टाइम, चल चल निकल। अबे यार भाई साहब अपना मुंह तो दिखाओ तुम, ये सलामी करवाओगे? मुंह देखना चाहते हो? टेररिस्ट नजरे आलम तू? तुझे तो पूरे देश की पुलिस ढूंढ रही है। मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साथ साथ चार पांच लड़के और ऐसे इकट्ठा करो जिनका पुलिस रिकॉर्ड में कोई नाम नहीं होना चाहिए। काम वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगा। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये काम मैं क्यों नहीं कर रहा, गलत। चाहूं तो मैं ये काम चुटकी में कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें पता होनी चाहिए पुलिस की नज़रें मुझ पर हैं। मैं अगर यहां से बाहर निकला तो पुलिस मेरा इनकाउंटर कर देगी। हम ना करने के ये काम, इसमें जान का खतरा और पुलिस की नज़रों में मुजरिम हो जाएंगे। पैसा जितना तुम चाहो। जब इतनी जिद कर रहे हैं तो कर देंगे। ओके हम तैयार हैं। पैसों की टेंशन मत लेना, लेकिन लड़के काबिल होने चाहिए वरना तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। अरे तू घबरा मत, मैं सब संभाल लूंगा यार। फिलहाल तुम हमें 10,000 रुपए दे दो, निपटा देंगे केस। आओ। ए, माय लव, इधर आ। जी पति परमेश्वर जी, बताइए। तू एक काम कर, एक लोंडे को फंसा। क्यों? अब हमारा जरा टेस्ट चेंज हो गया, तुझमें मजा नहीं आ रहा, लोंडे को निपटांगे। कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ, मैं कहाँ से लेकर लोंडा? अरे मेरी छम्मो, तेरे पास हुसन है, लड़के को अपने हुसन के जाल में फंसा और घर लिया, बाकी तेरा भाई देख लेगा। हाय दैया, तुम्हारे पता ना कैसे कैसे शौक हो गए, चलो देखती हूँ कोई जुगाड़ करके। एक काम करते हैं, गांव का जो मुंशी है उसके पास चलते हैं, वो साला चालाक बहुत है,
वो ही बताएगा गांव के होनहार लड़कों के बारे में। सही कह रही है तो बिल्कुल। चल जरा मुंशी जी। अरे हैंगे क्या मुंशी जी घर पे? हाँ लल्ला। अरे क्या हुआ मुंशी जी, तबीयत वगैरह ठीक है ना? अरे तबीयत तो ठीक है, हमारा टेस्ट का कद्दू चेंज हो रहा। हमने मुंशन को भेजा एक लोंडा सेट कर लाओ, लोंडा सेट कर लाई घर को ले आई। हम सोच रहे हम उसकी मारेंगे, हमारी गांड मार गया। अरे तो मुंशी जी चीखते चिल्लाते मोहल्ले को इकट्ठा कर लेते। अरे लल्ला चीखता चिल्लाता कहाँ से, बेअपसी ने मुंह में कपड़ा डाल दिया बेरहम ने। ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। और मुंशन कहाँ है? मुंशन तो अंदर बेहोश पड़ी है, उससे तो चला भी ना जा रही। वही अरे लोंडा है जॉनी सिंह से ससुरा। कुछ पियोगे? ठंडा पानी वगैरह लाऊं? ना 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 मुंशी जी रहने दो, तुम्हारी हालत ठीक ना, आराम करो, ध्यान रखो मुंशन का भी। चल चल देख रहा हूँ यार मुंशी जी के साथ क्या हुआ। अरे यार बहुत बहुत बड़े दिल जले बड़े आमिर। हेलो। अरे सर मैं गवर्नमेंट हेल्थ केयर से बात कर रहा हूँ सर, आपको कोरोना तो नहीं है? सर ये जिसका फोन है वो चार्जिंग पे लगा के गए हुए हैं, हम दुकानदार बोल रहे हैं। वो बात ठीक है सर आपकी, आप भी एक इंसान है, कोरोना आपको भी हो सकता है, आप बता दीजिए आपको कोरोना है कि नहीं? ना ना हम तो ठीक है एकदम भैया, परफेक्ट चकाचक। आपने वैक्सीन लगवाई है? लगवाई है, हमने तो लगवा ली। अच्छा वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट, तबीयत में दिक्कत? ना बिल्कुल बेहतरीन है, मजे में परफेक्ट है। तो सर आपको कोरोना है? हेलो 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 बाबला आए। डॉन साहब पानी पियो। अबे मेरा पानी इनके पानी से अलग क्यों बे? ना ना डॉन साहब सेम है, देख लो। अबे इसमें गोली भी पड़ी है। गोली बोली तो गिरती रहे मैं। अच्छा ले बेटा तू पी जरा इस पानी को। ना 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 डॉन साहब ये आपका पानी है, मैं कैसे पी सकता हूँ? ना डॉन साहब कह रहे हैं पी लो। और कौन कौन मिला हुआ मुझे मारने की साजिश में? ये है बट तुम्हारी माँ का भोसड़ा सालो, विश्वास ही ना करना चाहिए था। और उन्हें कॉल करके देखता हूँ पता ना क्या रहा मेरे काम का। हेलो। अबे ओए क्या किया तुमने मेरे काम का, लड़के इकट्ठे किए नहीं किए? देखो नजर आलम भाई इस काम में ही लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ जा रहे हैं वो यही कह रही है कि पूरे एरिया में हम दो ही स्मार्ट खतरनाक और डेंजरस थे, अब मिल नहीं पा रहे, पर ढूंढ रहे हैं, टेंशन मत लो। हाँ चलो जल्दी ढूंढो, टाइम कम है मेरे पास। ओके कर रहे हैं, लेकिन 15,000 रुपए भिजवाओ जरा फटाफट। अबे साले अभी तो दिए 10,000 रुपए दिए थे। अरे तो वो उठ गए यार, तुम्हें पता किराया भाड़ा कितना खर्चा कितना, मतलब यार समझ रहे हो तुम, हिसाब लेओगे तो हिसाब ना देऊंगा मैं, किसी और से करा लियो काम। अबे सुन सुन भिजवा रही हूँ, चल बस तू लड़के ढूंढ, चल बे जाओ इन्हें 15,000 रुपए दे के आओ। यार मेरी नजर में एक लड़का हैगा जो हमारा इस काम में साथ दे सकता। अरे तो पता कहाँ है, आ मिलने चल रहे हैं उससे। लेकिन यार सफर दूर का, कार की जरूरत पड़ेगी। कार की टेंशन मत ले, तेरा भाई लागा कार मेरे दोस्त के पास हैगी। बहुत बढ़िया भाई, तू रुक रहे मैं लेके आता हूँ चाबी। अरे बिपिन भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। अरे यार वो अपनी कार की चाबी दे दी जरा यार, इमरजेंसी पड़ रही है, 2 घंटे में पहुंचा दूंगा अभी कार तुम्हारी। कार यार कार की चाबी तो यार पापा ले गए, फैक्ट्री गए ना, काम चल लिया उनका, बेध्यानी में ले गए यार। ओ शिट यार तुम्हारे पापा भी ना। ओके मिलते हैं फिर ब्रो। आए बस ठीक है ना, कार की चाबी दो। क्या हुआ? अरे यार उसके पापा बेध्यानी में जिम में चाबी रख के ले गए गाड़ी की। ओ शिट। ओ तेरा दोस्त एक जगी भी तो हैगा, उस पे भी तो कार है। हाँ
तू यही रुका रहे, 2 मिनट में कार लेकर आता हूँ। अरे जगी भाई, अरे यार अपनी गाड़ी की चाबी दे दियो रहा, 2 घंटे में अभी वापस ला रही हूँ, इमरजेंसी पड़ ली है कुछ। तुम्हें अपनी पड़ ली, माँ पापा का एक्सीडेंट हुआ पड़ा, वहां जाना है मुझे, चल हट जा अलग को। हो गया जुगाड़? अरे यार उसके फूफा का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ गया कार लेके। अबे यार सभी साले भड़ुए हैं। भड़ुआ? अबे जावेद भड़ुए पे भी तो कार हैगी? हैं? अबे हाँ वो देखा, चला मेरे साथ। ले अपने जावेद भाई की गाड़ी है ये। अच्छी है भाई। 1 मिनट में मिलेगी, 1 मिनट में। तू यहीं खड़ा रह, मैं चाबी लेके आऊं जरा। अरे जावेद भाई 1 मिनट। क्या है? अरे यार अपनी कार की चाबी दे दी जो बाहर खड़ी है, 2 घंटे का काम है, भी पहुंचा रहा हूँ बस। कार दे तो दूँ, इसमें मेरा क्या फायदा होगा? अबे चल भाई मिलेगी गाड़ी की चाबी, चल। अबे कौन है ये? कौन है वे तू? और गाड़ी के आगे क्यों खड़ा? भाई साहब आगे रास्ता टूटा हुआ, आप एक काम करो उधर से लेके जाओ। बिल्कुल ना, गाड़ी जागी यहीं से ही। अबे भैया तो कुछ भी कर ले, तेरी गाड़ी इधर से जागी नहीं। अबे सुन। रोक, रोड के लैंड के लिए दलवा रखा? अबे हाथी के कद्दू, जब रोड टूटा पड़ा तो कौन सा जागा? ऐड के बाद और एक गाली भी। तू जा यहाँ से, इन्हें मैं देखता हूँ। मैं तुझे ऐसा अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। जितना तुझसे बोला है इतना सुन। अबे ये 3-3 लोग हैं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा ऐसे यार। तुझसे बोला ना मैंने। यार मैं उसे इकला गलत छोड़ के आया, लेकिन बड़ी हिम्मत वाला है, इकले ही लड़ लेगा सबसे। अबे तेज भाग हाथी के लैंड। यार आमिर बहुत थक गया, अब कोई सुकून वाली जगह ले चल, बहुत दिल कर रही है। चल बार में चलते हैं। 5 लाख पैसे? अरे पैसे की तो अपने पास मशीन हैगी, ला फोन ला, अपना फोन करता हूँ अभी। यार अब बैलेंस ना फोन में। अरे मिस कॉल लाख तो है, फोन ला। हाँ कौन है भाई आज के टाइम में ही मिस कॉल मार रिया? भाई तुम भी मिस कॉल मारो, कोई चलाक है। सही कह रिया। हेलो साले, फोन के मुंह पे ही बैठा गया सुअर, एकदम ट्रोंग से बोल गया। अरे हम बोल रहे हैं यार। अच्छा हाँ तू है क्या, बोल। देखो इमरजेंसी पड़ ली, जरा 20,000 रुपए भिजवाओ फटाफट। अबे ओए उस दिन तो तुझे 15,000 रुपए दिए, उससे पहले 10,000 रुपए दिए, अब फिर साले 20,000 रुपए मांग रिया? तो छोड़ो फिर, किसी और से करा लो काम, हम नहीं कर रहे यार। चल चल 1 मिनट रुक, भिजवा रही हूँ अभी। ओके जाके उसे 20,000 रुपए भिजवाओ। मिल रहा है ना तुझे सुकून? यहीं आते हैं हम सारे मालदार लोग, A1 कंडीशन की रंडियां हैं सारी। ये लड़की असली ना है क्या? क्यों? अबे मैंने जो नीचे को हाथ डाला इतना मोटा हाथ मार गया। अरे चल दूर दूर से कर ले यार। सोना पास आओ ना। हाँ। अरे आ जाओ। अरे दूर से ही सही कर तो रहे हैं। साले ऐसे लेते हैं मजे? अरे यार वो, अरे यार वो, देख मैं दिखाता हूँ कैसे लेते हैं मजे। अबे हाँ भाई सब, चावल खा रही है क्या? बहुत मोटा हो रही है। हाँ ज्यादातर चावल ही खा रही हूँ आजकल।
गाड़ देवे है। और क्या कह रहे हो भाई साहब? सुनो ना, तेरी गुल्लक फोड़ने की बात कर रहा हूँ, जा रही आना यहाँ से। क्या हुआ? किसी को सताना अच्छी बात ना यार। ये फट गई। अबे इस बात को छोड़ यार, उसका काम अभी तक हमने ना करा और इतना सारा पैसा वैसे ले लिया, क्या करना है उसके काम का? एक आदमी है मेरे पास जो हमें इस बारे में सही राय देगा। जान तो हुआ तेरा? अरे घर जैसे संबंध है, इस बहाने तुझे नाश्ता पानी भी करवा लूंगा। नमस्कार भाई साहब। अरे नमस्ते, आइए बैठिए। बड़े जलील इंसान हो भाई तुम, मेहमान घर पर आए अभी तक नाश्ता ना आया? अरे मंगा रहे हैं। बेटे गोलू 3 गिलास पानी लेके आना, वो भी फ्रिज का। बस पानी? अरे रुको यार बेटे, प्लेट में रसगुल्ले और रखे हैं, वो भी ले आना। पापा रसगुल्ले तो खत्म हो गए। अरे तो बेटे देख पोपीता रखा, पोपीता ले आओ। पोपीता भी ना है। बेटे देख खरबूजा रखा है, खरबूजा ले आओ। खरबूजे की दूंगा, उसे मैं खाऊंगा। तो एक काम कर, बादाम और काजू लिए 2-4। अरे वो खुद खत्म हो गए। पहन के लोड़ो जाहिलो, ऐसे टाइम पे मेहमानदारी करने आते हैं हमारे घर जब हमारे घर कुछ भी नहीं है? साधक कुछ तो शर्म नहीं आई तुम्हें साले जानवर? अरे तो इसमें हमारी क्या गलती है? भोसड़ी की गलती पूछ रहा है, जब तुझे पता हमारे घर कुछ नहीं है, मेहमानदारी करने कैसे आया? अरे चलो छोड़ो, मैं कुछ काम से आया था। है चल निकल यहाँ से, मुझे नहीं सुनना तुम्हारा काम बाम। अरे चलो छोड़ो नाश्ते वास्ते वाली बात को भी, कुछ बात करनी थी तुमसे। मोटे चला साले, वरना अंगूठा डाल दूंगा पूरा। चल बेटे तुझसे कुछ ज्यादा चेतरी आ। एक मिनट, तमीज नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी? जब मेहमान घर से जाते हैं तो बच्चों को पैसे दे के जाते हैं, चलो पैसे दो। दे दे यार, वैसी एक हिस्सी आ रही है। इधर अब ले रख ले। अब वो लोंडिया चोर, कम से कम 100 का नोट तो दे। ले रख ले। रहने दो मामा यार। हाँ सर ठीक है, मुंह पे मारू मैं, मामा भी बना लिए 100 का नोट में। रख अबे यार मच्छर बहुत हो गए भाई आजकल। सही कह रहे हो यार, मेरे हिसाब से तो मच्छरों का कोंडोम होना चाहिए था ताकि पैदावार ही कम हो इनकी। बनने को तो बन जाएगा लेकिन उन्हें पहनागा कौन, ये भी तो दिक्कत है। ये भी दिक्कत है। अरे डॉन उन्हें कॉल करो, टाइम कम है हमारे पास, पता नहीं उन्होंने अभी तक टीम बनाई नहीं बनाई। सही कह रहा है। हाँ डॉन साहब। क्या हुआ, बन गई टीम? बन गई लेकिन वो अर्जेंट 25,000 की जरूरत पड़ रही है, जरा भिजवाओ फटाफट। बट सालो मुझे तुमसे काम ही नहीं कराना, चुपचाप मेरे पास आओ। अरे सॉरी डॉन साहब, मजाक कर रहा था, पैसे नहीं चाहिए डॉन साहब, मजाक है। मुझे नहीं पता, मुझे अभी टीम चाहिए, वरना तुम लोगों को पता ही है जितना सीधा मैं पैसे देने में हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा हरामी किसी की जान लेने में हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने अड्डे से बाहर नहीं निकल सकता, तो तुम्हारा कुछ कर नहीं सकता? जरा अपनी बराबर में देख, एक ठेले वाला होगा और उसके हाथ में एक गन है। अरे यहाँ तो कुछ भी ना, दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। हो सकता है उसकी बिक्री ज्यादा हो गई हो तो इस वजह से चले गया होगा वो, लेकिन तुझे तो मैं मरवा ही सकता हूँ ना। जल्दी फटाफट मेरे अड्डे पे आ लड़के लेके, वरना तेरा खेल खत्म। ओ शिट, बुला रहे वहीं को। हट साले, तुझसे कहा था मैंने, कहा था कि पैसों के लालच में मत पड़े, अब वो मरवा देगा हमें। अरे रुक यार सोचने दे, एक आइडिया है, चल मेरे साथ। टीम कहाँ पे? टीम कहाँ है? अरे रुक तो जाओ नजर आलम भाई, यार बात तो सुन लो हमारी, हाथ को रोको। बोल। देखो हमें तुम्हारी पावर का पता है, लेकिन हमने भी तुम्हें जवाब दी थी काम होगा तो हो गया काम। 7-8 को तो हम दोनों बतेरे, एक लड़का ऐसा लाया हूँ इतना पैसा खर्च करके कि 17-18 लोंडो को अकेला मारता, खुद अपनी आंखों से देखा मैंने उसे 17-18 को मारते हुए। मुझे ऐसे ही लड़के की तलाश थी, अगर तुम मुझसे ये कहते ना कि काम ना हुआ तो सालों आज मैं तुम्हें जान से मरवा देता। बुलाओ उस लड़के को फटाफट। चीते अंदर आ जा।
ये नंगा क्यों आया? इससे कई बनियान पहन के ये मोटे दो चार। अरे चल छोड़। अबे ये सूगड़ी हड्डी साला, फटेरा लग रहा है देखने में तो, इससे मेरी झाक का बालना खुलेगा। ए तू गए तो हम तेरी माँ चोद। मेरे साथ धोखा, अब मरोगे सालो। नहीं मरेंगे भाग, पर सालों को। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio station. Hey guys, video पसंद आई हो तो like जरूर कर देना और comment करके बताओ video कैसी लगी, मैं सभी की comment पढ़ता हूँ. और channel पे अगर नए हो तो सबसे पहले channel को subscribe कर लो, लाल button दबा दो. और video shooting करते time मैंने अपना सारा पैसा withdrawal भी कर लिया है, तो आप भी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाने पर आपको 200% एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा. तो जल्दी करो और सभी दोस्तों में शेयर करो वीडियो. लव यू ऑल.